चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ये पिछले 5-10 साल से हर महीने जिसे 3 करोड़ का उधार मिलता हो, फसल का सा टाइम आ रहा, कीट का बहुत ज्यादा प्रभाव है, दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ रहा, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड लगने लगी और उसके पैसे नहीं है तो खेत भी खराब हुआ किसान का। कड़ा धन लिया बताओ अंत कहीं तो बताओ भैया, वो 15-15 लाख रुपए एक आम आदमी के खाते खुलवा गए। इस यूनियन की जड़ तो 100 फुट नीचे लोग का या कहाँ वो घट जाएगी। बंदर जी, आज यहाँ पे किसान आए हुए हैं, इनकी क्या मांग है और क्यों इकट्ठा हुए हैं आज यहाँ? भाई इस मिल को रोजाना 3 करोड़ का गन्ना उधारा मिले है और ये पिछले 5-10 साल से हर महीने जिसे 3 करोड़ का उधार मिलता हो, आधे सीजन तक ये भाव ही नहीं बताता, ना सरकार बताती। हम सारा गन्ना उधार डाल दें इसके और पूरा सीजन हमारा गन्ना खरीद ले, पैसा देने का इसका कोई काम नहीं। ना ये किसी योगी को मानता, ना किसी मोदी को मानता, ना सरकार इसे डरा सकती। यो शोषण करने के लिए पैदा हो रहा, यो क्षेत्र बेचारा पीछे हो गया। हम एक भी किसान कोई प्रगति करने की स्थिति में नहीं रहा, सब टुकड़ों में पैसे दे यो, एक दो दो रुपया और अपना रोटी खा रहे दिन तो। अच्छा, गन्ना भुगतान न होने पाने की वजह से किन दिक्कतों का सामना किसानों को आज के समय में करना पड़ रहा है? बस दिक्कत ही दिक्कत है जी, ये तो थोड़ा सा काम हो रहा, कहीं त्यौहार भी मनाने का डब नहीं, कहीं कोथली जाने का डब नहीं, जागतू की फीस का डब नहीं, घर में जो कपड़े वपड़े सिलवाए उनकी भी समझने की स्थिति नहीं है और इन सारी चीज़ों को झेल रहा आदमी। आज सबसे बड़ी समस्या किसान के आगे आ रही, अब फसल का सा टाइम आ रहा, कीट का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ रहा, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड लगने लगी और उसके पैसे नहीं है तो खेत भी खराब हुआ किसान का। कल यहाँ पंचायत थी, किसानों ने 10 मांग रखी थी, गन्ना भुगतान की है, एक शुगर मिल 6 क्विंटल चीनी दे रहा, अगर ये भुगतान नहीं कर पाता तो 6 ना दे, जितनी किसान की पेमेंट बच रही है उस पेमेंट का पूरा चीनी के रूप में भुगतान कर दे, किसान अपनी बेच के अपना जरूरत के हिसाब से कम बत्ती जैसा भी नफा नुकसान उसका होगा अपना वो कर लगा, एक जैसा हाइडे वगैरह की समस्या है उसका वजन बढ़ा दिया जाए, पशु यहाँ सीख रहे उसकी साइड वगैरह की व्यवस्था नहीं वो हो जा, एक वो मील का तो मामला है नहीं पर सरकार का मामला है, जैसा बिजली का है, बिजली के मीटर लगाने लग रहे 12 रुपये, एक नया मामला आया इनका, अब किसी का ट्रांसफार्मर फूक गया तो उसने कहा पहले मीटर लगवाओ और मीटर चढ़वाया का जीप जाया गया तो मैं ट्रांसफार्मर नहीं लगा। मोदी जी तो क्या एक बेटी बचाओ की बात है, कुछ ही देख लो, रुपये भी लिया था, कड़ा धन लिया था अंत कहीं तो बताओ भैया, वो 15-15 लाख रुपये एक आम आदमी के खाते खुलवाए गए रे, अब 15-15 लाख रुपये आवेंगे तो मोदी का तो ये काम है, बेटी बचाओ का तो क्या है, बेटियों को तो कैमरे के सामने इनका प्रशासन इस तरीके से टांग खिंचू फिर रहा, और इससे ज़्यादा बदतमीजी क्या हो सके, ये तो डूब का मरना आम जनता का, मतलब एक नालायक आदमी को भीतर गिरने के बजाय कह लगे हम तो मिट्टी में मिला देंगे माफिया, उसे मिला लो, 2 हेलीकॉप्टर ले रहे हैं वहीं घर ही उतरे, 50 स्कूल है उसका पता कर लो कहाँ था आगे, वो नहीं है माफिया। अभी आपका ये धरना कब तक यहाँ पे जारी रहेगा? तो अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक ये हमारा पैसे नहीं देता, जब तक नहीं लेकर जाए, अगर कोई भी धरना करता है तो राज्य सरकार की पुलिस और केंद्र सरकार की पुलिस उसको मिलकर उखाड़ देती है उस धरने को। तो यो नहीं उखड़ने का, ये तो अभी इसकी इस यूनियन की जड़ तो 100 फुट नीचे लोग का या कहाँ वो घट जाएगी, ये तो भाजपा को उखाड़ का पहन करके।